जय गुरुदेव जी महाराज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। सफलता उसका साथ छोड़कर दूर चली जाती है, जो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। लेकिन कहावत है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जिसका बुरा समय आता है उसका अच्छा समय भी आना निश्चित है। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपके अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक बनकर कभी देखा है और कभी रंक को राजा बनते भी देखा होगा। ये सब ईश्वर पर निर्भर है। वह कब किसको किस प्रकार क्या दे दे, ये किसी को नहीं पता। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे कई बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे अद्भुत संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाला समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। संसार में प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में अच्छे दिनों का इंतजार करता है ताकि उसे तरक्की होगी, जिंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल ही सफल हो, धन दौलत की कोई कमी ना हो। जब व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होती है तो आपको पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा समय आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ अद्भुत संकेतों की ओर जो ईश्वर द्वारा आपको दिए जाते हैं। पहला अद्भुत संकेत इस प्रकार है कि आपका अचानक से मन खुश होने लगता है, जो पहले कभी ना हुआ हो। आप हंसते हैं और बेहद खुश होते हैं। जो दुख आपके सामने आपके जीवन में होता है उसको सब भूलकर एकाएक खुश होने लगते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द अति शीघ्र खुशियों के पल लाने वाले हैं, खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह शीघ्र ही खत्म होने वाला है। आपकी सारी परेशानियों का निवारण होने वाला है। ऐसे समय में आपका मन बहुत खुश और प्रसन्न चित्त हो जाता है। अब आइए दूसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अद्भुत संकेत इस प्रकार है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंखें खुल जाती हैं। यदि आप ये देख रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी कि आपके जीवन की योग राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। जिस कार्य को आपने कभी पहले सोचा नहीं था वह अब संपूर्ण पूर्ण होने वाला है। अब आइए तीसरे अद्भुत संकेत की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अद्भुत संकेत इस प्रकार है, अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है, वह आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो वह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसके साथ साथ पशु पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन
बढ़ती जा रही है तो ये संकेत भी बहुत ही जल्दी सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। आपके घर के आंगन में गौरैया का आना और घोंसला बनाना और घर में कुछ देर ठहरना ये बेहद शुभ संकेत माना गया है। अतः आपको चाहिए कि ऐसी स्थिति में पक्षियों के लिए खाने के लिए दाना और पानी रखने की आवश्यकता है। अब आइए चौथे अद्भुत संकेत की ओर बढ़ते हैं। चौथा अद्भुत संकेत इस प्रकार है कि सपने में अगर आपको मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, जैसे राम नाम की गूंज, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको ओम मंत्र की गूंज सुनाई देती है तो ये भी सकारात्मक बात है। सपने में मंत्रों का, घंटों का बजना, संघ की आवाज सुनाई देना, ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सपने में अगर पितरों के आपको दर्शन हो जाए तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। पितरों का सपने में दर्शन देना अति शुभ होता है। उनका सपने में रूप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए या प्रसन्न चित्त रूप में होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके पूर्वजों का आपके ऊपर पूरा हाथ है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब आइए पांचवें अद्भुत संकेत की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जदार हुए हैं, आपने किसी से कर्जा लिया है और अचानक से आपको कर्जा मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब ये भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत का बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये भी पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं, सारी विपत्तियों का हल होने वाला है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही जल्द और तेजी से होने वाला है। अब चलते हैं छठे अद्भुत संकेत की ओर, जो इस प्रकार है कि अगर आपको पूजा करते समय भगवान की मूर्ति पर रखा हुआ फूल आपके सामने गिर जाता है तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपसे अब खुश हैं, वह आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। सीरगी, वह आपकी समस्त मनोकामना, आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अतः अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होने वाली हैं। अब चलते हैं सातवें अद्भुत संकेत की ओर, जो इस प्रकार है। छोटे बच्चों में ईश्वर का रूप होता है, उनमें हमेशा ईश्वर वास करते हैं। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक मुस्कुरा देते हैं या हंस देते हैं या फिर कोई अचानक आपसे कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अब सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। अब आपके साथ कुछ अच्छा घटने वाला है। आपके घर परिवार में शिशु अगर जन्म लेते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत है। ये थे कुछ अद्भुत संकेत और अद्भुत लक्षण जो आपके भाग चमकने से पहले आपको दिखते हैं या इन लक्षणों की आपको अनुभूति होती है और आप एहसास करते हैं। आप समझ सकते हैं कि अब आपका भाग चमकने वाला है। इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम।